अस्सलाम वालेकुम। ये कल कढ़ाई खरीद के लाई नॉनस्टिक, ये दूध चढ़ाई हूँ। मैं सोची आज इसमें फिरनी बना लेती हूँ, फिर इसमें भाजी पकाऊंगी। तो 2.5 लीटर दूध है और ये 1.25 किलो चावल है, धो के रखी हूँ, इसको पीस लेते अभी और ये दूध में उबाल आने देते, फिर ये चावल डाल देते। दूध में उबाल आ गया है, इसके अंदर ये जो चावल पीस के रखे हैं ना वो डाल देते हैं, मतलब दरदरा सा पीसी हूँ इसमें डाल देंगे, फिर चलाते रहेंगे तो घुटली हो जाएगी इसमें। तो चलाएंगे इसमें, बाद में मिल्क में डालेंगे। देखिए जितने चावल है सारे डाल देंगे। सारे डाल दिए, फिर इसको हिलाएंगे नहीं तो फिर घुटली हो जाएगा पूरा इसमें। एकदम गाढ़ा होने तक। चलिए ये थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है तो इसके अंदर मिल्क मेट डाल देते हैं। ये मिल्क मेट मैं घर में ही बनाई हूँ, ये आपको बताऊंगी, मैंने घर में ही बनाया ये मिल्क मेट। ये कप से 1 कप डाल देंगे इसके अंदर, आपको जितना मीठा चाहिए उतना मीठा आप डाल दें। ये देखिए इसमें डाल देते हैं। आप कम खाते मीठा कम डालिए, अब ज़्यादा खाते ज़्यादा डालिए मीठा। मिलाते हैं, ये देखिए गाढ़ा हो रहा है ना ये एकदम। इसमें थोड़ा सा वो डाल देंगे छोटी इलायची, पीस के मैंने रखी थी इसके अंदर डाल देते हैं। आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, इसके लिए मैं नहीं डालती हूँ। वो अखे चावल में चलते हैं लेकिन फिरनी में मुझे नहीं अच्छा लगता है, आपको पसंद है तो आप डालें। देखिए मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे। केवड़ा वाटर है ये डाल देंगे 2-3 बूंद इसके अंदर। देखिए केवड़ा वाटर डाल दिए हैं, एकदम गाढ़ा हो गया ये, देखिए ऐसा हो गया। इसको नहीं चलाते रहेंगे ना घुटली बन जाती है एकदम चावल, तो चलाते रहेंगे थोड़ा देर और, थोड़ा देर और पकने देंगे फिर इसको उतार देंगे। देखिए ऐसा हो गया ना, थोड़ा देर और पकेंगे। देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया और ये बर्तन में भी निकाल दी हूँ, मिट्टी के बर्तन में, और ये फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलो हो गया, यहाँ पे वीडियो एंड करते। आपको अच्छा लगे आप बना के खाएं।